नमस्कार आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज की जी हाँ इसे आप मूक्स के नाम से भी जानते हैं मूक्स जिसका जो एक एकम एक एक है और इसका फुल फॉर्म है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज ये बहुत बड़ा एक रेपोजिटरी होता है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं वो इग्नू जैसे अन्य और भी बहुत से रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटीज हैं आई हैं उनके द्वारा करवाए जाते हैं और ये जो कोर्सेज़ हैं ये कोर्सेज़ लर्नर अपनी स्पीड अपनी कन्वीनियंस अपनी ईज़ के हिसाब से कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के कोर्सेज़ में एनरोल होने के लिए किसी भी तरह की फ़ीस या अन्य अनिवार्य आहर्ता का होना अनिवार्य नहीं है यानी आपकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए इसमें एनरोल करने के लिए आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी कोर्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के परस्यू कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इन कोर्सेज को करने का लाभ क्या है फायदा क्या है क्यों इस तरह के कोर्सेज को किया जाए तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं ये एक स्वयं ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट है जो कि हाल ही में मैंने अभी इसको कंप्लीट किया है और मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक प्लेटफॉर्म है ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई इन एजुकेशन इस कोर्स का टाइटल रहा इसका कोर जो है वो बी ई एस सी वन फोर वन है और सत्ताईस मई को जो है वो इसका एग्ज़ाम होता है और 26 जून को ये सॉरी 20 जून को जो है वो सर्टिफिकेट जारी हो जाता है ये जो सर्टिफिकेट है ये इग्नू के द्वारा करवाए गए कोर्स का सर्टिफिकेट है तो इग्नू का लोगो भी इसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो भी इसमें है और साथ ही साथ स्वयं जैसा कि मैंने कहा 2015 में आ, भारत का जो शिक्षा विभाग है भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ये एक, एक लॉन्च किया गया है जिसमें कि तरह तरह के कोर्सेज लर्नर्स के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं अब इस तरह के कोर्सेज को करने का लाभ की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहला लाभ है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये बड़ा महत्वपूर्ण है यानी इससे हम स्वयं को आ, आ, जो है वो अप डेट रख सकते हैं अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं दूसरा इसमें है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस तरह के कोर्सेज जो है वो बहुत हमें हेल्प करते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं और जो इसका एक और फायदा है वो ये है कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर चाहे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार या राज्य स्तर पर भी जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन पुरस्कारों में इस तरह के जो डिप्लोम हैं जो कोर्सेज़ हैं जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका एक विशेष महत्व कंटिन्यूस प्रोफेशनल की डेवलपमेंट की दृष्टि से रहता है और दूसरी बड़ी बात है अभी हाल ही में हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा कुछ चयनित शिक्षकों को जो है वो विदेशी दौरे पर भेजा गया उसमें भी इस तरह के कोर्सेज़ के लिए अलग से वेटेज रखी गई थी तो ये ये तो सारे एक लाभ मैंने आपको बात की आइए बात करते हैं कि कैसे हम इस तरह के कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं तो दो तरीके हैं सबसे पहले तो आप और डायरेक्टली वेब पे जाएं यानी गूगल पे जाएं और वहां से कोर्स करें दूसरा तरीका आपके पास रहेगा आप इसका जो एक ऐप है स्वयं पोर्टल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें तो मैंने दोनों तरीक़ों से इस कोर्सेज को करने का मेरे पास अनुभव है मैंने वेब पे जाकर भी के पर भी किया है और पोट जो मेरा ऐप है उसके द्वारा भी तो सबसे पहले मुझे लगता है ऐप आज के ज़माने में जो कि एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म ऐप वो एक महत्वपूर्ण हमारे पास एक जरिया रहता है किसी भी काम को करने का तो ये स्वयं पोर्टल है उसका एक ऐप है देख सकते हैं आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है ये और इसको आप जैसे ही आगे आएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं वीकली असाइनमेंट्स इसमें रहते हैं और इसमें और एग्ज़ाम्स किस तरह के रहते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र है इसमें यानी सबसे बड़ी बात है इसमें जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ए है उसके माध्यम से ये लिंक हो जाता है और आपका जो क्रेडिट्स है वो एक कोर्स के दूसरे कोर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं और इन क्लास जो आपकी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा डैशबोर्ड है डैशबोर्ड यानी वो जगह जहाँ से मैं अपने पूरे उसको मैनेज कर सकता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्लीटेड कोर्स एक तरफ नजर आ रहे हैं अपकमिंग या वो कोर्सेज जो ऑन गोइंग है जिनको मैं अभी कर रहा हूँ वो एक तरफ नजर आ रहे हैं बाकी जितने भी सर्टिफिकेट्स एट्स एट्सट्रा का अलग से बना हुआ है अब इसमें मैं आपके पास यहाँ आपने देखिए कोई भी कोर्स करना है तो आप सीधा कैटलॉग पे जाएंगे और कैटलॉग में आप देख सकते हैं आपका जो भी फील्ड है आर्किटेक्चर है या एनुअल रिफ्रेशर कोर्सेज है अर्पित ए आर पी आई टी एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लिया गया है इसमें आप जाकर के कोर्सेज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें अपकमिंग ऑन गोइंग तरह तरह के कोर्सेज जो है वो रहते हैं इसके बाद टीचर एजुकेशन की जहाँ तक बात करें वो अलग से है आर्ट्स ह्यूमिटीज़ लॉ कई तरह के कोर्सेज हैं स्कूल लेवल के कोर्सेज हैं तो हम टीचर एजुकेशन की यहाँ पर बात करेंगे तो टीचर एजुकेशन की यदि हम बात करें तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो है वो टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे ये सभी कोर्सेज हैं इन कोर्सेज की ड्यूरेशन साथ में दी गई है जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है सोलह हफ्तों का कोर्स है इस तरह से तरह तरह के कोर्सेज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरी करती है इनकी ड्यूरेशन चार वीक्स की भी ड्यूरेशन है और सोलह हफ्तों की भी ड्यूरेशन है जो भी कोर्स आपको इसमें देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का इसमें अलग से कोर्स है ई कंटेंट डेवलपमेंट कैसे की जाए उसका कोर्स है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का इसमें एक अलग से कोर्स है और आप देख सकते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो है वो इंडिया के वो इन कोर्सेज को ऑफर करते हैं ऐसा नहीं है कि हर अ, कोई इसमें आ जाता है बहुत मेहनत से स्टैंडर्ड जो है वो इसका मेनटेन किया जाता है काफ़ी बेस्ट आपको इसका एक्सपीरियंस रहेगा ये बहुत बढ़िया

प्राप्त करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और ये एग्ज़ाम अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर जो वो नहीं था तो हम कांगड़ा में गए वहाँ हमने इसका एग्ज़ाम दिया और एन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसका एग्ज़ाम लेती है काफ़ी जिसको हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रिक्ट इसका सारा सिस्टम रहता है बड़ा बेहतरीन तरीके से अनुभव होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सी बी टी इसमें जो है वो करवाया जाता है यानी आपको एक कंप्यूटर के कंप्यूटर पर बिठा दिया जाता है और आपके उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और आपको जस्ट माउस से क्लिक करके जो है वो उसका आंसर देना होता है और इसी आगे जो है वो अल्टीमेटली आपका जो कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपके मोबाइल फ़ोन से ही डाउनलोड हो जाता है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा था जो भी सर्टिफिकेट आप करना चाहें कोर्स उसको आप क्लिक करें और इस तरह से उसका पूरा डिटेल आ जाता है वीडियो इंट्रोडक्शन आ जाएगी कोर्स का इंट्रोडक्शन रिटर्न में आ जाएगा फिर समरी आ जाएगी कि कोर्स का स्टेटस क्या है ऑन गोइंग है या कंप्लीट uh, uh, हो चुका है फिर कितनी उसकी ड्यूरेशन है कैटेगरी क्या है उसकी किस लेवल का है ग्रेजुएट लेवल का है अंडर ग्रेजुएट लेवल, लेवल का है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी और सारा का सारा मॉड्यूल इसमें आप देख सकते हैं सोलह हफ्तों का और किन के द्वारा ये आपको ऑफर किया जा रहा है उनकी बैकग्राउंड कौन जो आपके मैंटोर हैं जो टीचर हैं ये सारा कुछ इसमें हमें देखने को मिल जाता है इसके बाद अब आप मैं आपको एक चीज और जो दिखाऊंगा कि किस तरह से जैसे मान लीजिए ये मेरे कंप्लीटेड कोर्सेज हैं तो इसमें से यदि मैं इस कोर्स की बात करूं जो जो मैंने भी आपके सामने बताया तो आप देख सकते हैं ये इसमें 2019 हजार लर्नर्स एनरोल थे और ये कोर्स जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ तो इस कोर्स के ऊपर जब मैं जाऊंगा, गो टू द कोर्स तो आप देखेंगे कि इसमें तरह तरह की चीज़ें हैं देखिए मैंडेटरी क्विज़ इसमें है सोलह हफ्तों का इसमें पूरा का पूरा मॉड्यूल है किस उसमें क्या कुछ रहने वाला है जैसे इस इस पर मैं क्लिक करता हूँ मैंडेटरी क्विज़ पर तो मेरी क्विज़ ओपन हो जाएगी ये देखिए ये मेरी क्विज है ये मैं आंसर कर चुका हूँ तो ये मुझे यहाँ पर दिख रही है असेसमेंट ड्यू डेट जितनी थी वो पास हो चुकी है और मेरा ला जो लास्ट रिकॉर्डेड सबमिशन है वो भी इसमें आ गया है कौन सी डेट का है इसके बाद जिस भी वीक में मैं जाऊँगा उस वीक का मेरे पास जो टेक्स्ट मटीरियल है वो आ जाएगा जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो इसकी ये पूरा मॉड्यूल ओपन हो चुका है और इग्नू के स्टैंडर्ड नोट्स जो है वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं पढ़ने को मिलते हैं और काफ़ी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा वो इसमें रहता है तो इस तरह से जो है वो आप इन कोर्सेज में जा सकते हैं एनरोल कर सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं और बहुत जगह पर ये कोर्सेज जो है वो फायदेमंद होंगे यही कोर्स यदि आपने वेब तो मैं क्रोम से एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूं ये देखिए जैसे इसमें मैं ओपन करता हूँ अब साइन इन और रजिस्टर की बारी है इसमें तो चूंकि मैं मेरा अकाउंट पहले से बना है तो ऑब्वियसली मैं साइन इन करूँगा लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूजर होंगे वो इसमें रजिस्टर करेंगे जैसे कि किसी भी अन्य जगह पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आप इस पर भी अकाउंट बना सकते हैं गूगल से भी आप लॉग इन कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं आप अपना नया अकाउंट भी बना सकते हैं ये सारे विकल्प आपके पास जो है वो उपलब्ध है जैसे मैं गूगल से लॉग इन करूंगा तो गूगल से जब मैं लॉग इन करूँगा तो मेरी ई मेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और मैं अपनी ई डी से जो है वो आ, ये देखिए इसको इजीली एक्सेस कर पाऊंगा ये मेरा कोर्स यहाँ पर ओपन हो गया है इसके बाद आ, मेरा जो प्रोफाइल है ये यहां पर दिख जाएगा मैं अपने कोर्सेज पे जाऊँगा माय कोर्सेज और यहाँ देख सकते हैं कि मेरे कोर्सेज जो हैं वो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख जाएंगे कि मेरे कंप्लीटेड कोर्सेज कौन से हैं और अपकमिंग कोर्सेज कौन से हैं तो ये मेरा कंप्लीटेड कोर्सेज हैं ये देखिए ये इस कोर्स पर मैं जैसे ही जाऊँगा तो मुझे यहाँ